गले में कढ़ाई है तो ये बिना बुकरम के बनेगा गला, इसमें बुकरम नहीं लगेगी। तो इसमें जितना हम गला तैयार रखेंगे, मैं इतना गला तैयार रखूंगी इसमें, तो हमें इसमें लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में चाहिए और 1-1 इंच हमें चौड़ाई में इसमें कपड़ा ज्यादा चाहिए। तो इस तरह का हम एक कपड़े का जो टुकड़ा वो लेंगे और इसके सीधी साइड हम इसकी सीधी साइड पे रखेंगे और उल्टी साइड है इसकी दूसरी साइड में हम इसमें इस तरह से सिलाई करेंगे। तो आपको हम सिलाई पट्टी लगाकर बता देते हैं। तो देखिए ये एक कपड़े का टुकड़ा जो हम सिलाई कटाई करते हैं तो एक्स्ट्रा बचता है, तो उसमें से मैंने एक टुकड़ा लिया है ये। तो इस पे हम ये हमारा गला है जो सीधी साइड इस कपड़े पे रखेंगे और उल्टी साइड है जो ऊपर रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें रख दिया है, ये इसके नीचे है जो कपड़ा है वो, ये देखिए ये इसके नीचे कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो इस तरह से मैंने इस गले को इस पे रखा है और ये गले की जो चौड़ाई है ये ज्यादा है, तो इसमें मैं थोड़ी इसमें चौड़ाई इसकी कम रखने वाली हूँ। मेरे गले की चौड़ाई लगभग 6 इंच है, 3 इंच इधर और 3 इंच उधर, तो ये लगभग 7 इंच का आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आधा 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 इंच से थोड़ा कम इतना गले को छोड़कर मैं इसमें सिलाई करने वाली हूँ इस तरह से। तो मैं अब आपको सिलाई करके बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हल्का सा यहाँ पे चौंस टाइप गला बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने लगभग आधा इंच के करीब होगा ये, आधा इंच से थोड़ा सा कम होगा, मैंने इसको यहाँ से छोड़कर सिलाई की है क्योंकि गला बहुत डीप था इसलिए। तो यहाँ पे लाकर मैंने थोड़ी हल्की सी चौंच बनाई है, इससे इस गले की लुक है तो बहुत अच्छा आने वाला है। तो अब हम ये अंदर वाला जो कपड़ा है तो इसकी हम अब कटाई करेंगे। तो देखिए हमने कपड़े के गले के अंदर जो कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी है और इसमें मैंने हल्के हल्के ये आप देख सकते हैं पूरे गले में मैंने कट लगाई है। इस कट की वजह से हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, वरना इसमें कपड़ा खिंचता रहता है और गला ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बनता है। और इधर मैंने ये 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, ये हम अंदर की साइड वापस फोल्ड करेंगे। तो अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देते हैं। तैयार कर लिया है और मैंने कच्चा टांका किया है और इसके बाद हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो ये टांका ये धागा निकालने में हमें आसानी होती है, तो इसलिए मैंने बड़ी चाल करके कच्चा टांका किया है और गला बनाकर हमने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका पीछे का गला है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने ये पीछे का गला है, पीछे का पार्ट है, इसमें हमने निशान लगा लिया है, यहाँ से 3 इंच है और यहाँ से 7 इंच है। तो अगर आप ज्यादा डीप गले पहनते हो तो आप इसमें 8 इंच भी इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से चौड़ाई 3 इंच की ली है और लंबाई मैंने इसकी 7 इंच ली है और यहाँ पे मैंने गोल गला काट दी निशान लगा लिया है। और अब हम इसकी कटाई करेंगे। तो देखिए हमने गला काट लिया है और ये सीधी साइड है और सीधी साइड हम इसके लिए एक पट्टी काटेंगे, वो हम इसकी सीधी साइड में रखकर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए गले के लिए मैंने वो रेप कटिंग करी की है, और रेप कटिंग का मतलब होता है कि हम ये कपड़े में सीधी पट्टी नहीं निकालते हैं, टेढ़ी पट्टी निकालते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसकी धारियां हैं जो ये टेढ़ी जा रही है एकदम इस तरह से। तो ये मैंने टेढ़े कपड़े में से ये पट्टी एकदम सीधी इसको काटा है। तो इससे क्या है कि गले की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है और ऐसे चुनटे वगैरह पड़ती है जो गला बनाते टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, तो ये रेप कटिंग के कारण होता है। तो रेप कटिंग की भी वीडियो देखनी हो तो मैं अलग से इसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो अब हम इस पे ये पट्टी कैसे लगाते हैं बताते हैं आपको। तो इस पट्टी को हम इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से इस पे सेट करेंगे और एक पैर की हम इस पे सिलाई करेंगे। पैर को इसको बोलते हैं, ये होता है जो इतना हमें गैप देना है इसमें, इतना सा गैप देना है हमें इसमें, तो इतने गैप पर हम ये इसकी सिलाई करेंगे। तो हम ये पट्टी पूरे गले पे लगा लेते हैं। तो देखिए मेरे पूरे गले पे ये पट्टी है जो लगा दी है और अब हम जितना ये कपड़ा अंदर सिलाई में लिया है उतने उस पर हमें इसको फोल्ड करना है इस तरह से। जैसे ये हमने ये कपड़ा लिया है इसको हम इस तरह से इस साइड में करेंगे और इस जितना हमने कपड़ा अंदर रखा है उसी पर हमें इसको फोल्ड करना है। और आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी फोल्डिंग रही है, ये हमें इतनी छोटी फोल्डिंग बनानी है और इसी तरह हमें पूरे गले में इसी तरह फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई करनी है पूरे की। तो अब हम आपको सिलाई करके बताते हैं। तो देखिए हमने पूरी पट्टी को फोल्ड करके ये सिलाई लगा दी है और अब एक फोल्डिंग इसकी एक फोल्डिंग और होती है इसके बाद, जिसमें हम तुरपाई करेंगे अंदर। देखिए हमने पूरी गले की जो पट्टी अंदर फोल्ड करके इसको क्रीज बना दी है इसकी। तो अब हम इसको अंदर से कभी भी जैसे तुरपाई कर सकते हैं, तो हमें इस पर सिलाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये गला हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम आपको बताएंगे कि आगे पीछे का और आगे का पार्ट को हम जॉइंट ऊपर गले की साइड कैसे करें। तो इसमें यहाँ पे फिनिशिंग रहती है। तो ये पीछे का गला है, इसी के अंदर जो हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी बचता है, तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। पूरे गले में है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देंगे। देखिए ये जो आगे का पार्ट है और ये है पीछे का, और ये अभी जो फोल्डिंग होनी है तुरपाई के लिए इस फोल्डिंग को हम वापस खोलेंगे और ये बिल्कुल इसके बीच की जो सिलाई है इसके पास हम ये पार्ट है जो आगे का इसको रखेंगे।
और इसको इसके ऊपर वापस फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस पे हम छोटी चाल कर इसकी सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से इसकी सिलाई करेंगे। आप समझ गए होंगे कि ये जो हम अंदर की साइड ये फोल्ड करने तुरपाई करने के लिए फोल्ड करते हैं, इसको वापस खोलना है, और इसके जस्ट इसके पास हमें ये आगे का पार्ट है जो रखना है, और इसको इसके ऊपर फोल्डिंग करना है। तो ये सिलाई होने के बाद अपने आप इसमें ये इस तरह से सीधा होगा, तो ये वापस फोल्डिंग हो जाएगी इसकी तुरपाई के लिए। तो अब हम आपको एक बार सिलाई करके बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से इसको ज्वाइंट कर दिया है, और अब हम आपको सीधा करके इसको